ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज जानकारी लेके आए हैं कि मन के विचारों को शांत कैसे करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको पहले मिल जाएगी। आपने देखा होगा कि पूरे दिन जो आप गतिविधियां करते हैं, या तो ऑफिस में करते हैं, घर पे करते हैं, अपने बिजनेस पे करते हैं, या कहीं पे भी कोई भी गतिविधि करते हैं, तो उसके विचार या वो सारी बातें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उन विचारों के कारण आप सो भी नहीं पाते हैं। होता ये है, जैसे दिन में कभी कोई घटना हो जाती है छोटी सी, जैसे आपका किसी से बहस हो गई या आपका किसी से झगड़ा हो गया, तो वो झगड़ा, वो बात पूरे दिन आपके मन में चलती रहती है। उस समय अगर आप उससे कुछ कह नहीं पाए तो आप अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें उससे कहते रहते हैं, मन में ये विचार चलता रहता है। और ख़ासकर ये विचार तब ज़्यादा चलता है जब आप सोने वाले होते हैं, जब आपको नींद आने वाली होती है, या नींद आती ही नहीं, यही विचार ही दिमाग में चलते रहते हैं। तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे मन के विचार शांत हो जाएं? मन के विचार शांत होना बहुत आवश्यक है। दिमाग में जो बातें चलती रहती हैं वो शांत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकत उन चीज़ों में होती है जिन चीज़ों में गति होती है। लेकिन हमारा दिमाग एक ऐसा है कि इसमें जितनी शून्यता होगी उतनी ही ज़्यादा ताकत होगी, या उतना ही ज़्यादा ये बलशाली होगा। तो आप समझ सकते हैं, जब आपका दिमाग चलता रहता है लगातार, तो एनर्जी का एक बिखराव सा हो जाता है पूरे दिमाग में, दिमाग केंद्रित ही नहीं हो पाता है। तब ते हैं, अगर आपसे बैठा नहीं जाता है, अगर आप बैठ के ध्यान करना चाहते हैं तो आप बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं। आप अपने सामने दीवार पे कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लीजिए, उस पे ध्यान लगाइए, उसको लगातार देखते रहिए, फिर लंबी सांसें लीजिए, फिर सांस छोड़िए। 2-3 बार, 5-6 बार इस तरह से आप लंबी सांसें लीजिए और सांस छोड़िए। शरीर को पूरा धीरे 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 करके रिलैक्स कर दीजिए, माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करिए। उसके बाद आंखें बंद कर लीजिए, ऐसा आप लेट के भी कर सकते हैं। और आंखें बंद करने के बाद में आपको दोनों आंखों के बीच में, भौं के बीच में, जो जहां पे महिलाएं बिंदियां लगाती हैं, जिसे आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, वहां पे आप ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करिए। अगर आप बिस्तर पे लेटे हैं या बैठे हैं, दोनों तरह से ये क्रिया कर सकते हैं। जब आप ये क्रिया कर रहे हो तो अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करने की कोशिश करिए, पूरे शरीर को बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। ऐसा महसूस करिए जैसे आप 1-1.5 फीट कोई नदी बहती है, उस नदी पे लेटे हुए हैं और उस पे आप फ्लोट कर रहे हैं, और जो लहरें आ रही हैं वो लहरें आपके शरीर से टकराते हुए, आपके दिमाग से टकराते हुए, आपके जितने भी मन के विचार हैं उन सारे विचारों को बहा के ले जाती जा रही है, और आपके मन के विचार धीरे धीरे करके शांत होते जा रहे हैं। इस तरह से आप प्रयास करिए। उसके बाद में जिस तरह से मन के विचार धीरे धीरे पानी के साथ बहते जाएंगे, आप 0 थॉट्स की तरफ बढ़ते रहेंगे और आपका दिमाग धीरे धीरे करके शांत होने लगेगा। इस तरह से आपको अपने दिमाग को शांत करने का प्रयास करना चाहिए, अपने मन के विचारों को शांत करने का प्रयास करना चाहिए, अपनी सांसों पे ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए, पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। इस तरह से आपका जो शरीर है रिलैक्स मूड में आ जाएगा और आपका दिमाग भी धीरे धीरे करके ध्यान की अवस्था में हो जाएगा। अगर आप लेटे हैं तो हो सकता है आपको नींद भी आ जाए, अगर आप बैठे हैं तो आपके मन के विचार शांत हो जाएंगे और आप एक ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे। ऐसा एक दिन में नहीं होगा संभव, हो सकता है कि ऐसा होने में आपको कम से कम 4-5 दिन लग जाएं, हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाएं, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो ऐसा होगा अवश्य। ध्यान करने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप ध्यान करेंगे तो आप पूजा पाठ में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। आप मंत्र जाप करेंगे या मंत्र जप करते हैं तो मंत्र की ऊर्जा बहुत तेज़ी से आपके शरीर में
समाहित होगी और मंत्रों की सिद्धि भी बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपका मन एकाग्र होगा। आपके मन में बहुत ताकत है, आपके दिमाग में बहुत ताकत है। जब उसके सारे विचार शांत हो जाते हैं तो वो ताकत पूरी शक्ति के साथ आपके सारे कार्यों को पूरा करती है। जैसे आप जब छोटे थे मैथ के कोई क्वेश्चन लगा रहे होते हैं तो क्या होता है कि जैसे बाहर कुछ शोर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप बहुत डिस्टर्ब होंगे, आप लगा नहीं पाएंगे, बार बार डिस्टर्ब होंगे, दिमाग में बहुत कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं लगा पाएंगे। नहीं, अगर आप अपने मन का कोई कार्य करते हैं जो जिन कार्यों में आपको बहुत ज़्यादा रुचि है, जैसे आपको खाना बनाने में बहुत ज़्यादा रुचि है, या आपको ड्राइंग करने में बहुत ज़्यादा रुचि है, या आपको ड्राइव करने में बहुत ज़्यादा रुचि है, या कोई भी ऐसा कार्य जिस कार्य में आपको बहुत रुचि होती है, तो जब आप उस कार्य को करते हैं ना तो आपके दिमाग में दूसरे विचार नहीं आते हैं, खाली वही विचार रहता है जिस कार्य में आपकी रुचि होती है। वही एक समय वो था कि जब मैथ का क्वेश्चन लगा रहे थे आपको तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर रही थी। तो जब आपका दिमाग शांत हो जाएगा, जब आपका मन शांत हो जाएगा, जब आपके विचार शांत हो जाएंगे, तो जो जिन कामों में आपको रुचि होती है, जिस तरह की फीलिंग आपको उस समय आती, उसी तरह की फीलिंग आपको आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आप प्रयास करेंगे तो आपका ध्यान लगने लगेगा, आप अपने मन के विचारों को शांत कर पाएंगे। लेकिन करना अल्टीमेटली आपको ही है, आपको रास्ता मिल सकता है कि आपको कैसे करना है, लेकिन करना आपको स्वयं पड़ेगा। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आप ध्यान लगाने का प्रयास भी करेंगे, अपने दिमाग के विचारों को शांत करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।